से, न्यायपूर्ण ढंग से, तर्कपूर्ण ढंग से इस्तेमाल करो, है। अब क्योंकि किसी भी राष्ट्र का औद्योगिक विकास, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट और इकोनॉमिकल डेवलपमेंट उस देश में उपलब्ध खनिज संसाधनों पर ही निर्भर करता है। यदि अमेरिका, चीन, फ्रांस, इंग्लैंड इतना डेवलप है, तो इससे डेवलप है कि वहाँ पे खनिज संसाधन है और खनिज संसाधनों का खूब यूटिलाइज कर, इसीलिए वो इतना आगे। यदि नेपाल इतना पीछे है, तो इसके पीछे यह भी कारण है कि वहाँ खनिज संसाधन नहीं है, तो यूटिलाइज नहीं कर रहा। अब देखिए, खनिज संरक्षण के उपाय, पहला है खनिजों की खनन प्रक्रिया में होने वाली बर्बादी को रोकना। अपने आप खनिज जो है वो रॉक माइनिंग प्रोसेस, आयरन ओर का खदान जहाँ जहाँ है चले जाइए तो क्या करेगा, निकाल के इधर उधर फेंक देंगे, है ना। और वैज्ञानिक तरीका है जिसके साइक्लिंग करके भी इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन यहाँ कोई उतना रिसाइक्लिंग पर ध्यान नहीं देता। खनिजों के स्थान पर वैकल्पिक साधनों का विकास किया जाता है। जैसे मान लिया कि हमें अल्मीनियम लोहा नहीं मिला, अल्मीनियम नहीं मिला तो हम लकड़ी का इस्तेमाल किए, कोई चिंता। मान लिया कि साक्षी को सोना का गहना नहीं मिला, तांबा का गहना नहीं मिला, तो प्रक्रिया में लाने शीशे का खरीद लिया, खरीद के प्लास्टिक का ले लिया, नहीं हुआ तो संख्या का समझ के संघ वाला है ना, उसी का है ना। तो कोई ना कोई वैकल्पिक संसाधन अल्टरनेटिव इसका इस्तेमाल करना, खरीदों का अपव्यय को रोकना चाहिए। यदि आप कहीं जा रहे हैं, बिजली का स्विच ऑफ कर देते हैं, ऊर्जा बचत हो जाता है, तो उसी प्रकार यदि आपका काम साइकिल से चल जाता है तो मोटरसाइकिल का इस्तेमाल ना हो। यदि आपका काम तुमको बड़ा लड़की पैदल तुम आ सकती हो तो स्कूटर चला कर पेट्रोल बर्बाद मत करो, ना तो इलेक्ट्रिसिटी वाला गाड़ी लो, ठीक है, या बैटरी वाला लो, जिससे ऊर्जा बचे, खनिज संसाधन बचे, है ना। अब देखो, इसके अलावा नए खनिजों का पता लगना चाहिए। अब आप लोग वैज्ञानिक बने, इंजीनियर बने और पता करें कि कोई ऐसा मैग्नेट बनाए कि आए ब्रेक में रख कर और पंखा में लगा दो, और जब क्लास खत्म हो तो उसको ले जाए, और जब तक रहे तब तक पंखा उस मैग्नेट से चलता रहे। कोई ऐसा यंत्र हो सकता है भविष्य में कि आए और इसको इस पंखा में लगा दे और पूरा घंटे भर पंखा चले और फिर उसको निकाल कर लेकर चले जाए, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अब निम्न कोटि का जो अयस्क था उसको भी खनिज का इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ऊर्जा संसाधन, अब जब क्वेश्चन